मुंबई से पुणे आकर ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक महिला और पुरुष को पुणे पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने बीती रात धर दबोचा। इन शातिर अपराधियों के पास से 77 लाख रुपए का ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक जैन के साथ राकेश छाजेड़, पुणे। अक्टूबर की रात को कुछ इंटेलिजेंस मिला था और हमारी क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 3 की टीम्स है वो जोन 3 के एरिया में, कोथरूड एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। वहाँ पे उन्हें रात के वक्त एक दो व्यक्ति, उसमें से एक पुरुष और एक स्त्री थे, वो कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स कर रहे इस तरह पाए मिले। उसके बाद उनसे पूछताछ करने पे उनका शक और बढ़ा। उन्होंने अपने डीसीपी और सीनियर से पूछताछ की और उनके एडवाइस पे उन्होंने एनजीपीएस के जो प्रोविजंस है उसके तहत उनकी उनका सर्च लिया। उस सर्च में उन दोनों के पास, एक के पास 1 किलो और दूसरे के पास 540 ग्राम की एक संदिग्ध पाउडर पाई गई। उस पाउडर को प्रिलिमिनरी टेस्ट करके, जो एनजीपीएस की किट है वो करने के बाद ये पाया गया कि वो ब्राउन शुगर है। और 1 किलो 540 ग्राम ब्राउन शुगर अपने कब्ज़े में रखने के आरोप में इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर हमने कल एक ऑफेंस रजिस्टर किया है। ये सिल्वम देवेंदर नाम की एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीबन 57-58 है, जो 1979 से प्रतीक्षा नगर सायन कोलीवाड़ा में, मतलब मुंबई में रहती है, और ये अवनीता उसकी पत्नी है। ये दोनों ये ब्राउन शुगर कहाँ से ला रहे थे, कहाँ देने जा रहे थे, इसके बारे में छानबीन शुरू है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है उसमें जो एक्यूज है वो इंफॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कस्टडी के दौरान मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इसका सोर्स और ये कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में रूट तक जा पाएंगे। ये एक्शन यूनिट 3 के PI राजेंद्र मोकाशी, उनके PI ढवले, उनके PSI किरण गायकवाड़ और बाकी उनका जो स्टाफ है उन्होंने किया है। इस साल की 2019 की सबसे बड़ी कार्रवाई NDPS में ये हो चुकी है, जो एक ड्राइव पिछले बहुत दिनों से पुणे पुलिस ले रही है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाए, उसमें उन कंटिन्यूसली कार्रवाई हो और एक पूरी तरह से डेटरेंस हो। इसमें इस कार्रवाई की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस हमें मिलेगा, ऐसे मेरी मान्यता है।